नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रोकली कटलेट। इसकी रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप ब्रोकली ली है, जिसे मैंने उबाल कर बारीक काट लिया है। ब्रोकली यानी हरी फूल गोभी, देखिए इस प्रकार की होती है। 1 गाजर किसी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 5 बड़े चम्मच चावल का आटा, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सूजी, 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच तिल, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 बड़े चम्मच बेसन। अब हम बाउल में कटी हुई ब्रोकली डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, किसी हुई गाजर डालेंगे, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक डालेंगे, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डालेंगे, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स हर्ब, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें बेसन डालेंगे। अब इसमें सूजी डालेंगे। सूजी के बाद अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब लास्ट में मैं कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए कटलेट का मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम हाथों में तेल लगा लेंगे और कटलेट बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम पहले बॉल बना लेंगे और अब हम इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे और कटलेट का शेप दे देंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम सभी कटलेट बना लेंगे। देखिए सभी कटलेट बनकर तैयार है। अब हम इन्हें तवे में सेक लेंगे। मैंने पहले से ही तवा गर्म होने रख दिया था। तवा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 3 से 4 छोटे चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब इसमें कटलेट रख कर सेक लेंगे। मैंने यहाँ फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। देखिए अब हम कटलेट को पलट कर दूसरी तरफ से सेक लेंगे। इसी प्रकार हम 2 से 3 बार पलटते हुए इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब हम इसे 1 बार और पलटते हुए सेक लेंगे। ये कटलेट खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कटलेट सीख कर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।